ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और एस्ट्रो मित्रम बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मित्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों हम आपका दैनिक राशिफल बता रहे हैं, यह राशिफल है 22 फरवरी 2018, गुरुवार का दिन है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी और भरणी नक्षत्र दोपहर 10:47 तक रहेगा, उसके बाद कृतिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो दिन आपके लिए कैसा रहेगा, 12 राशियों के लिए दिन कैसा जाने वाला है, ये हम आपको सब कुछ बताएंगे। आपसे हमारा विनम्र आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। और हमारा दूसरा चैनल आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री भी आप देखिएगा और उसको भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी अन्य ज्ञानवर्धक जानकारी आपको लगातार प्राप्त होती रहेगी। तो हम 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है ये सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आपके पास काम बहुत रहेगा, समय रहते ही आपको दिन भर में कार्य को पूरा कर लेना है, कुछ रचनात्मक या नया काम करने की कोशिश भी करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। कामकाज पर पूरा ध्यान दें, इससे आपको फायदा होगा, आपकी इमेज अच्छी होगी, काम पूरा होगा और नाम भी होगा। सामूहिक कामों के लिए दिन अच्छा है और दूसरों के मन में चलती बातें आप बहुत सरलता से भांप लेंगे, हर पहलू पर समझौता का मन बना करके चले, यह न केवल आपके फेवर में साबित होगा बल्कि बहुत से लोग आपकी बात का समर्थन करेंगे। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, उनकी याद भी आपको आएगी, प्रेम संबंध मजबूत होंगे, सेहत अच्छी रहेगी और कुछ मामलों में किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पाएगा। कहीं फालतू का खर्चा न करें और कोई भी नया कर्ज न ले। विवाद और तनाव की संभावना है, कुछ लोग आपको चुनौती दे सकते हैं, विवाद से बचकर चले, धन हानि हो सकती है, दिन भर आपको संभल करके रहना होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। दूर स्थान पर रहने वाले किसी योग्य विद्वान अनुभव व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है या बातचीत होगी, दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए आपको कोई बड़ी नई उम्मीद की किरण नजर आएगी, अपने साथियों और दोस्तों के साथ समय बिताएंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी, कुछ नया अनुभव मिलने के योग बन रहे हैं, ऑफिस में बड़े अधिकारियों से आपकी अच्छी बात होगी, परिवार के साथ समय व्यतीत होगा, पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा, संतान की तरफ आपका ध्यान रहेगा और आपके लिए धन हानि और कमजोर स्वास्थ्य की स्थिति बन रही है, खर्च और नुकसान बढ़ने के संकेत आपको मिल रहे हैं, आप जो भी कोशिश करेंगे उसके परिणाम आज आपको नहीं मिल पाएंगे, हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आने वाले दिनों में उसका लाभ अवश्य ही होगा। पैसों के मामलों में किसी भी तरह की रिस्क लेने से बचे, किसी को उधार पैसा बिल्कुल न दे, पैसों से जुड़ा वादा भी न करे, अपने मन की बातें दूसरों से शेयर करेंगे तो आप ही परेशान हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आज थोड़ा धन लाभ होने की गुंजाइश है, सैलरी बढ़ सकती है, पैसों के क्षेत्र में अगर आपको किसी तरह की मदद की जरूरत है तो आज आपको मिल जाएगी, किसी रिश्ते की शुरुआत भी हो सकती है, इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, खुद जो भी बदलाव लाना चाहते हैं उसकी शुरुआत करने के लिए अच्छा समय है, नजदीकी संबंधों में सुधार होगा, कोई नया काम करने का मन बना सकते हैं, रोजमर्रा के काम आसानी से आपके पूरे हो जाएंगे, किस्मत के सहयोग से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है और उसे स्वीकार करें, और लोहा तेल और कोयला से भी आपको लाभ हो सकता है, बिजनेस आपका अच्छा रहेगा, स्टूडेंट के लिए दिन सफलता भरा साबित होगा, पैसों के मामलों में थोड़ा आप परेशान हो सकते हैं, ऑफिस में कामकाज पर ध्यान पूरा नहीं दे पाएंगे, कुछ बड़े मौके आपके हाथ से निकल सकते हैं, किसी के साथ भी आप फालतू बहस बिल्कुल मत करें, सावधान रहें, ऑफिस का माहौल कुछ आपके पक्ष में कमजोर रहेगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। लोग आपको मदद के साथ सलाह भी देंगे, सारी परिस्थितियां अपने आप के दम पर संभाल लेंगे, जिस काम पर आप पिछले कुछ समय से मेहनत करते आ रहे हैं उसमें आपको फायदा भी होगा, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें जो है आपको बड़ी सफलता मिल सकती है, दूसरों की मदद करने की पूरी कोशिश आज कर सकते हैं, आज आपको दोस्त प्रेमी या जीवन साथी से भी सहयोग मिल सकता है और अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होगा, नए लोगों से मिलने के योग बन रहे हैं, ऑफिस में माहौल थोड़ा गंभीर रहेगा, समस्याएं भी आपको आ सकती है, ऑफिस फील्ड में कोई बड़ा विवाद या तनाव हो सकता है, संभल करके रहे, मानसिक क्लेश या उग्रता हो सकती है, सावधान रहे, किसी के साथ भी आज विवाद बिल्कुल न करें। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा,
जहां तक हो सके अपने काम और जिम्मेदारियों पर आप पूरा ध्यान दें। आपकी महत्वाकांक्षाएं चरम पर रहेगी। व्यावहारिक ढंग से आप आगे बढ़ेंगे। किसी पार्ट टाइम काम से अतिरिक्त आमदनी के बारे में आप विचार कर सकते हैं। ऑफिस में हर काम बहुत आसानी से होता जाएगा। आज आप दूसरों की मदद करने के लिए हर समय पूरी तरह तैयार रहेंगे। लोग भी आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। किसी कठिन परिस्थिति में आपका बीच बचाव भी हो जाएगा। इसमें आप सफल भी हो जाएंगे। रोजमर्रा के कामों में किस्मत की मदद मिलेगी। अचानक आपको धन लाभ हो सकता है। आज आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते तो कह दीजिएगा। राजनीति से जुड़े लोगों को फायदा होगा। कोई बड़ी सफलता उनको मिल सकती है। कला संगीत के क्षेत्र में रुचि आपकी बढ़ेगी। अपने खान पान पर आपको कंट्रोल करना होगा। जीवन शैली में कोई भी बदलाव करना चाह रहे हैं तो उससे आसपास के लोग जरा भी सहमत नहीं रहे। मामा पक्ष से अनबन होने के योग है। पीठ पीछे आपकी कोई बुराई भी कर सकते हैं। आप सावधान रहें, सतर्क रहें। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आप में ऊर्जा का स्तर भी सामान्य रहेगा। दूसरों के साथ व्यवहार में आप दिमाग से काम लेंगे। साथ काम करने वाले लोग आज आपके लिए मददगार साबित होंगे। किसी नई योजना के बारे में विचार कर सकते हैं। आज आप थोड़ा धैर्य से काम ले। टकराव की स्थितियों से बचकर चले। आप शांत लहजे में बात करेंगे तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आपके कार्यों की सराहना की जाएगी। कोई खास सौदा या बड़ा फैसला न करें। कोई फैसला नहीं लेने और नतीजा नहीं मिल पाने से आप थोड़े परेशान और विचलित हो सकते हैं। दिन आपके लिए इतना अच्छा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। दिन भर कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ सकती है। जोश में आकर किसी को भी बिना मांगी सलाह न दे। चंद्रमा आपको मानसिक तनाव दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आपको भाइयों और दोस्तों के संबंधों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बिजनेस या कार्य क्षेत्र में कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं। नई प्लानिंग भी शुरू करने का मन या प्लानिंग आप बना रहे हैं तो आपके लिए दिन बड़ा शुभ रहेगा। कोई बड़ा सपना आज आपका पूरा हो सकता है। आमदनी बढ़ाने का अच्छा मौका आज मिल सकता है। कोशिश जरूर करें। और यह भी हो सकता है कि आज खरीदारी करते समय किसी तरह का बड़ा फायदा आपको हो जाए। नौकरी पेशा लोगों के दिमाग में नया आइडियाज आएंगे। लेकिन आज आप कुछ संवेदनशील भी हो सकते हैं और कुछ मन में जो है अनमना होने के बावजूद भी आप सभी कामों पर ध्यान देंगे। आज आपको कुछ चीजों की नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। खर्चों की स्थिति बन सकती है। ऑफिस में कुछ लोग आपका विरोध भी कर सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाए। आज कामकाज भी ज्यादा होगा। मानसिक तनाव भी बढ़ा रहेगा। खर्चा भी आपका बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। कैरियर में जो भी कदम उठाएंगे उनका असर लंबे समय तक आपके जीवन पर रहेगा। आप सामाजिक दायरे में सक्रिय रहेंगे। सभी से मिलकर के बात करेंगे। सामूहिक रूप से किए गए कामों में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। दोस्तों और पड़ोसी रिश्तेदारों से किसी खास मामले में आप पूरी तरह से जो है मदद को प्राप्त करेंगे। किसी से प्रेम संबंध भी शुरू हो सकता है। कुछ काम आप दूसरों पर छोड़ दे। बाहर घूमने फिरने का मौका आप प्राप्त करेंगे। नया वाहन खरीदने की इच्छा होगी। आप खर्चों पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे। परिवार के सदस्य की कोई बात आपको बुरी लग सकती है। घर और ऑफिस दोनों जगह कुछ बेचैनी महसूस होगी। आप ऐसा न सोचे कि हर काम आपको ही करना पड़े। रोजमर्रा के कामों में झूठ का सहारा भी आप ले सकते हैं। इसलिए आप सावधान और बच कर रहे। अपनी बात रखने में उतावले और उत्सुक भी हो सकते हैं। इससे आपको नुकसान हो सकता है। संभल करके रहे, सावधान रहे। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आत्मविश्वास आज आपका बड़ा रहेगा। आज जो भी काम करेंगे आत्मविश्वास के साथ करेंगे। पुराने तनाव और दबाव बहुत हद तक समाप्त हो सकते हैं। आप उदार मूड में रहेंगे। पैसों से जुड़े किसी मामले को सुलझाने का काम टालते आ रहे हैं तो उस पर नई शुरुआत करने के लिहाज से दिन अच्छा होगा। आपकी आर्थिक स्थिति भी जल्द ही जो है सुधर सकती है। किसी तरह का कर्जा लेने के लिए कोशिश करेंगे तो वो भी सफलता आपको मिलने वाली है। बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। सामाजिक क्षेत्र में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। नए पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात होगी। नौकरी में प्रगति होगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और जीवन साथी से आपको सहयोग प्राप्त होगा। अचानक आपका मूड खराब हो सकता है। किसी बात को लेकर के मन में भय और संशय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एक साथ कई तरह के विचार आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। बहुत से मामलों में दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आप अनुशासन और खुद के सम्मान को लेकर के बहुत सावधान रहेंगे।
प्रेम और रोमांस के लिहाज से दिन आपके लिए ठीक है। आप धैर्य पूर्वक आसपास के लोगों की हरकतों को सहन कर सकते हैं। समय आने पर आप अपनी बात भी कहेंगे, तब तक आप धैर्य रखें। इनकम सामान्य रहेगी और लोगों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। आज आप थोड़ा ज्यादा आक्रामक भी हो सकते हैं, संकोची भी रहेंगे। बिजनेस के मामलों में सावधान और चौकन्ने रहने की आपको आवश्यकता रहेगी। कोई आपका ही करीबी व्यक्ति आपको धोखा भी दे सकता है, इसलिए आप सावधान रहें। अपने कुछ दोस्तों का व्यवहार भी जरूरत से ज्यादा अजीबोगरीब हो सकता है। उग्रता के कारण धन हानि का भी योग बन रहा है। किसी से विवाद में बिल्कुल न पड़े, विवाद बढ़ सकता है, आप अपमानित हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। मकान और दुकान पर धन लाभ के योग बन रहे हैं। हर काम दिल खोल करके करने से आपको फायदा होगा। स्वार्थ से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई व्यक्ति आपसे अपनी बात कहना चाहे तो उसकी बात ध्यान से सुने। आप काल्पनिकता से दूर गंभीर और व्यावहारिक मूड में रहेंगे। आपको अच्छी तरह पता रहेगा कि कौन सा काम कैसे पूरा होगा। आज आप अपने काम कई तरह की व्यवस्थाओं से संचालित करेंगे और अकेले में बैठ करके विचार भी करेंगे। एकाग्रता न टूटने दे। आज आप परिवार की समस्याओं में व्यस्त हो सकते हैं। ऑफिस के माहौल के कारण अपने काम पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। जो काम जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए। ज्यादा बदलाव करने की कोशिश न करें, कोई फायदा नहीं आपको होगा तो उससे जो है आपको बहुत बड़ा लाभ भी नहीं होगा। बोलते समय सावधानी रखें। आप कहना कुछ चाहेंगे लेकिन कोई और बात आपके मुंह से निकल सकती है। इससे आसपास के लोगों के बीच में गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। छुपी हुई बात जल्द ही आपके सामने आएगी और फायदा देने वाली स्थिति आपके लिए दिन भर रहेगी। दिन भर अपने दोस्तों और सामाजिक संपर्कों में आप व्यस्त रहेंगे। इन मुलाकातों से आपको कई प्रकार के अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे, जिससे जीवन में कई प्रकार के बदलाव आएंगे। बिजनेस या शिक्षा के कारणों से यात्रा का कार्यक्रम भी जल्दी बन सकता है। सहयोग और दोस्ती से ज्यादातर काम आपके पूरे हो सकते हैं। ऊंचा पद पाने की इच्छा आपके अंदर रहेगी। महत्वाकांक्षी आप रहेंगे। सिर्फ अपनी उपलब्धियों को अपने बॉस की जानकारी में रख दे। कामकाज के हिसाब से दिन अच्छा रहेगा। सेहत स्वास्थ्य पहले से आपका बेहतर होगा। खर्चा कुछ ज्यादा हो सकता है। चोरी का डर भी आपको बना रह सकता है। सावधान रहें। अपने धन की, अपने पर्स की आप जरूर सुरक्षा करके रखें। आने वाले दिनों में आपको कुछ जो है परेशानी भी पैदा हो सकती है, इसलिए कार्य के प्रति आपको अत्यंत सावधानी की आवश्यकता रहेगी। तो मित्रों, हमने 12 राशियों का यह दैनिक राशिफल आपको बताया है। हमारे इस राशिफल के वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और ज्ञानवर्धक जानकारियों को सबसे पहले आप प्राप्त करते रहिएगा। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद, शुभ गुरुवार।